मिनट का समय लेकर इस राजयोग को सीखें और अपना जीवन सार्थक बनाएं। और आज का यह जो भारत माता ने कहा कि आप सभी संकल्प करें और सोचें कि हमें भी एक दिन देवी देवता बनना है, क्योंकि हिम्मत मरता मत दे खुदा, जो हिम्मत करेगा उसको भगवान भी मदद करता है और जो हिम्मत नहीं करता उसको भगवान भी मदद नहीं करता। इसलिए जो एक कदम हिम्मत का आगे बढ़ाए, ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्वाइन करें और ज्वाइन करके ये सीखें और जाने कैसे हमारे अंदर सदगुरुओं को हम उभार सकें और बच्चों के सदगुरुओं को उभार कर उनको कृष्ण की तरह और राधा की तरह एक श्रेष्ठ गुरु बना सकें, पुरुषोत्तम बना सकें। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, अभी पुष्पक और एक छोटी सी कन्या अभी एक डांस प्रस्तुत करेंगे। चलो चले सतयुग की ओर, सतयुग के बातों को भूलकर तो आए देखें कैसे सतयुग की तरफ चलने के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं आपके उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए। ओम शांति। और जो बच्चा अपना कला दिखाना चाहता है, गीत गाने का, कविता करने का, चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका पिता परमात्मा शिव है। जो आज आकर 87-88 वर्षों से लगातार ये लंके की चोट पर ऐलान करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह ऐलान करता है कि फिर बार बार ये सतयुगी दुनिया आती है और फिर सतयुग के बाद सतयुग और सतयुग के बाद फिर सतयुग, ये बार बार 5000 वर्ष में रोटेट होता है। आए और इसको राजयोग के द्वारा
हकीकत को पहचान कर नारायण और नारी से लक्ष्मी सदृश उतनी ऊंची आदत आपको बुलाया हुआ ड्रामा का मंच अभी आपके बीच में चल रहा है। तो हम फिर आपसे आग्रह करेंगे कि अपना ज्यादा समय नष्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया तो जाने वाली है और जाएगी, लेकिन अगले दुनिया में आप कैसे आएंगे ये समझने के लिए इसके बाद आपको और समय नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल अंतिम का अंतिम समय चल रहा है, इसलिए आप सबसे आग्रह है या इसको समझे कि कैसे यह अंतिम समय है और कैसे इसके बिना बहुत ही कम समय कैसे और कैसे आने वाली है। ये सारी बातें समझने के लिए आप सभी लाइव और लाइन में सागर सागर आमंत्रित है। आप सभी ब्रह्मा जी बहुत ही शांति और कोई बच्चा अपना डांस करना चाहता है या बड़े भी कोई कला दिखाना चाहते हैं आजकल तालियां नाचकर डांस करेंगे आप सभी के सामने। अत्याचार भ्रष्टाचार एवं बलात्कार जैसे पापों की सीमा बढ़ती ही जा रही हो अब अपने अंत के साथ साथ अति की ओर बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि अब मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ धीरे धीरे थक रही है। सुंदर माँ तुम्हारी सुंदर तो होना ही था। मैं उस
योग में थे, जहाँ हर नर नारायण एवं नारी लक्ष्मी स्वरूप। मैं उस युग को याद करती हूँ जहाँ एक जाति, एक धर्म और एक भाषा थी। हर मनुष्य सदैव सुख शांति समृद्ध था। वहाँ के मनुष्य इतने श्रेष्ठ थे कि मैं उनके ही अनुसार चलती थी, उन पर अपना प्रेम बरसाती थी। मुझे वह आनंद आज भी याद है। वहाँ गोप गोपियाँ साथ रास किया करते थे। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसा मेरी छोरी। रज धाम राधा जी की रज धाने लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे और संचर के द्वारा महाविनाश का ये जनका पीटता है। तो वो समय आ चुका है जब आप फिर से इस धरती को जन्नत और स्वर्ग बना सकते हैं। और आपका एक संकल्प, एक हिम्मत का पग आपका इस दुनिया को परिवर्तन करने में भगवान का साथी बनेगा। भगवान इसी कार्य के लिए, परमात्मा शिव इसी कार्य के लिए इस धरती पर आ चुके हैं। तो आइए हम सब मिलकर उस भगवान के कार्य को पूरा करें और उनका साथी बन जाए। बहुत तेज बारिश आ रही है, समझ नहीं आ रहा।